YouTube पर पोल करके मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2023 में हम दुनिया के कौन से रीजन में सबसे ज्यादा ट्रैवल करें, तो आप लोगों का टॉप जवाब आया था साउथ ईस्ट एशिया। इसीलिए स्वागत है दोस्तों थाईलैंड में। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये थाईलैंड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेंपल्स में से है। इससे पहले इसके बारे में और जाने और यहाँ की लोकेशंस देखें, आइए रिवाइंड करते हैं। Yeah, it's rewind time. फ्लाइट पूरी रात में थी तो ज्यादा सोने को नहीं मिला, थकान हो रही है, लेकिन होटल वालों ने बढ़िया वेलकम ड्रिंक दिया इस टाइप के ग्लास में, जैसे लगता है कि दारू हो। Especially if you drink from it without a straw. Yeah. Is it strong? क्या एक्टिंग कर रहा है? It's very strong. What is it? It's like an iced tea. और ये भी दिया था इन्होंने ठंडा था। दोपहर के करीब 12 बजे हैं। हमें सिर्फ 4 घंटे की नींद मिली थी प्लेन में, तो अभी का प्लान है कि 2 घंटे के लिए पहले सोते हैं। क्या रूम है, आगे किसी वीडियो में दिखाएंगे। 3 बज रहे हैं, लगता नहीं आज कुछ ज्यादा घूम पाएंगे कि इतना बुरा जेट लैग हो रहा है। Let's go. We're going to the boat now. Which will bring us to different spots in Bangkok. इस होटल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है कि बोट से हम फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं बैंकॉक की अलग अलग लोकेशंस में। गाड़ी से हमें ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं, 5 मिनट में आने वाली होगी। ये ब्रश किया गया ये आफ्टर वेकिंग आफ्टर गेटिंग अप। इट्स टाइम टू कट देम नाउ। क्रुकथॉर्न ब्रिज के नीचे से गुजरे हैं अभी हम, और सामने एक बहुत ही ऊंचा ब्रिज दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ऊंचा बनाया गया हो, इतना ऊंचा बनाने की जरूरत नहीं थी। पानी में बहुत से पत्ते चारों तरफ दिख रहे हैं। थोड़ा पिंक लाओ ब्रिज, पिंक कलर को लेकर आओ, पिंक लाओ। करते कैसे हो ये सब, करते नहीं हो जाता है। आज हम इनके वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स में जा रहे हैं, जो कि पीछे आप देख सकते हो, इसका नाम है वाट अरुण। काफ़ी ऊंचा है ये, हाल ही में इसे रेनोवेट किया गया था 2017 में। थैंक यू। बड़ी भीड़ है यहाँ पे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है बोट्स में बैठने की, लेकिन ये नॉर्मल लोकल बोट के लिए है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है। बड़ा कूड़ा है पानी में, लेकिन दिखने में नज़ारा यहाँ पे बड़ा ही चमकीला चमकीला कलरफुल और बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाट अरुण के लिए टिकट जो है 100 बात पर पर्सन, 100 बात $3 के अराउंड होता है। रुपीज़ में देखोगे तो करीब 250 रुपये। ओनली एक्सेप्ट कैश, ये इनकी करेंसी है 100 बात का नोट। बात या बाट पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कैश यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, लिटरली जैसे ही एयरपोर्ट पे आए थे वीज़ा ऑन अराइवल लगवाना था, वो भी कैश में लेते हैं, वो भी बिना कैश के नहीं करते। और ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ पे कैश 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 ही चलता है, जैसे ही इस देश में आए हो कैश निकलवा लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमें टिकट मिल गई है अपनी वाटर रूम की, और एक इम्पॉर्टेंट रूल है, डू नॉट डैंगल एनी डॉल। क्या परफेक्ट टाइम पे एंट्री हो रही है जब धूप पीछे से। Vararam. Oh, their faces look so scary. They look like demons. But not these guys. These look happy to be lifting the temple up on their shoulders. My God, the stairs are so steep. दूर से देखकर सीढ़ियां तो लगी नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि फ्लैट वॉल हो बिल्कुल। बहुत ही डरावनी स्टेयर्स है। I only see your head.
There are so many people here dressed up in really beautiful traditional outfits. And I think they're influencers because they're taking professional photos, videos, always checking if the photos look good. And they're everywhere. Khota si ka nahi hai ka? Never seen a pig that cute. Look at it. Pig statues ke alawa cow ke bhi statues hain. Ye pata nahi kaun sa janwar hai. थोड़ा बंदर जैसा लग रहा है. इट्स रॉन्ग टू यूज सिंबल्स ऑफ बुद्धा इन बार डेकोरेशन टैटू. इट मींस नो रिस्पेक्ट. पता नहीं क्या है ये बुद्धा इन बार. ओह, ऑन अ स्टिक यू मीन. लाइक ही इज बिहेडेड और समथिंग. इट्स एक्चुअली रियली नाइस दैट व्हेन यू बाय द टिकट दे गिव यू अ फ्री बॉटल ऑफ वाटर अलोंग विद इट. दैट्स गुड एज अ टूरिस्ट. जूते निकाल के हम मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं. थाई भाषा अगर आपने नोटिस किया हो, ये काफ़ी साउथ इंडियन लैंग्वेज से काफ़ी सिमिलर दिखती है. इसकी जो लिखने की स्क्रिप्ट है, तमिल कन्नड़ा काफ़ी मैचिंग स्टाइल है. मैंने पढ़ा है अपेरेंटली इसके पीछे रीज़न ये है कि इन लैंग्वेजेस की रूट जो है वो सेम थी. ओल्ड तमिल से आई हुई ये लैंग्वेज. वाट अरुण के साइड में आपको ऑलमोस्ट मेड योर ग्लासेस फॉल इन द वाटर. वाट अरुण के साइड में आपको अरुण रिवर साइड अरुण रेजिडेंस भी मिल जाएगा और रीवा अरुण भी मिल जाएगा. अरुण रेस्टोरेंट भी यहीं कहीं होगा पक्का. इंडिया और थाईलैंड के बीच में वैसे बहुत सारे गहरे कनेक्शंस हैं. इनके कल्चर के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी. आगे के व्लॉग्स में आप देखोगे कितने सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये कनेक्शंस ड्रॉ किए जा सकते हैं. अभी के लिए हम वाट अरुण से आगे बढ़ते हैं, गलियों में घुस के कुछ दुकानें देखते हैं. I found my wifi. Bobby. Without the H. सही पकड़े हैं. ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क है. कौए लाल केबल को काटने लग रहे हैं और ये कौए बड़े ही शैतान दिख रहे हैं. ये पता नहीं किस प्रकार का मिस्टिकल क्रीचर है, जो पता नहीं रियल एनिमल भी है या नहीं उस जमाने का. चलो अब इस मंदिर से बाहर निकल गए हैं अब हम, और ये बैंकॉक की एक रैंडम सड़क पे आ गए हैं. यहाँ पर वो सारी ड्रेसेस रेंट कर सकते थे, लोग पहन के घूम रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे. So now we're on our way. We're walking about 20 minutes to a spa to get a massage. We have no idea how it's gonna be, but we're just gonna try it out because it's really, really cheap. We've never seen it as inexpensive. And it looked good, so let's give it a try. What do you say? Yes, I hope it's good. ये क्या टॉय कार यहाँ पार्क करी हुई है, इतने बड़े बड़े टायर्स. Hopefully मेन सड़क पे यहाँ पे चलने के लिए अच्छा सा फुटपाथ हो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. फिर हमें ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा. अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है. जाओ. एक सुपर मार्केट मिला है, 7-Eleven. देखते हैं क्या खाने की चीज़ें पीने की चीज़ें मिल रही हैं उसके अंदर. यहाँ से रोड क्रॉस करना काफ़ी डेंजरस लग रहा है. थैंकफुली वहाँ एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, नहीं तो लोकल लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं. मतलब इंडिया में भी की जाती है रोड क्रॉस ऐसे, लेकिन यहाँ जो गाड़ियाँ हैं ज़्यादा तेज़ लग रही हैं इंडिया के कंपेरिजन में. द ट्रस्टेड नेवी, बैंकॉक नेवल बेस हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे. बड़ा सुंदर सा सनसेट हो रहा है वहाँ, और इस ब्रिज पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है. इस ब्रिज का बहुत धन्यवाद कि ये टिका रहा, क्योंकि यहाँ कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कहीं टूट के ही ना गिर जाए. नेक्स्ट टू द 7-Eleven देयर इज आल्सो अ 5-star, जस्ट अ 5-star, नॉट अ 5-star होटल और रेस्टोरेंट, जस्ट 5-star. बहुत सारे यूनिक आइटम्स हैं यहाँ पे. पीपल हियर आर आल्सो ऑब्सेस्ड विद गेटिंग द स्किन वाइट. स्किन वाइटनिंग की यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी बीमारी है. Even this is milk. I've never seen it in packets like this. What? Anti-cough pill. It looks so funny. Takab anti-cough pill. Maybe that seems like it's dangerous to eat because of the drawing. This looks so powerful. यहाँ मेकअप पे जो लड़कियाँ बनी हैं ये इतनी ज़्यादा फोटोशॉप लग रही हैं, मानो AI generated हो ये. Wow, this is next level. एक वॉशिंग डिटर्जेंट का नाम यहाँ पे है, US से.
मतलब अपने पूरे ब्रांड का नाम ही एक कंट्री के ऊपर रख दिया। एक चीज बर्गर चिप्स के पैकेट में कैसे आ सकता है? तू क्या जज बन रहा है? ये तो हवा भरी हुई लग रही है इसमें। Double meat though. I don't understand cheeseburger. Maybe crispy seaweed cheeseburger, double meat flavor something. I don't know. So we didn't eat a lot today, so we ended up buying this drink. We don't really know what it is. It says that there's milk in there and some milk protein. Taste में बिल्कुल ऐसा लग रहा है दूध पीने लग रहा हूँ जो पानी के साथ मिला हुआ हो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि हाई प्रोटीन है तो प्रोटीन होगा ही। ऐसी देशों में ट्रैवल करते हुए वेजिटेरियन खाना खाने का मतलब है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स मीट होना बहुत मुश्किल है। प्रोटीन पाउडर हर बारी कैरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। नो गाइस, देयर इज नो स्पॉन्सर। ये एक बाल काटने की दुकान है, लेकिन इंसानों के नहीं, कुत्तों के बाल काटे जा रहे हैं। यहाँ चल के बिल्कुल ऐसा लग रहा है इंडिया की किसी सड़क पे चल रहे हो दिल्ली में। स्पेशली ये पुराने पुराने घर, पुरानी सी हवेलियाँ। उस दुकान में गेंदे के फूल मिल रहे हैं, लेकिन फेक वाले। बड़ा इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप नोटिस करोगे मेरे पीछे ब्रिज के ऊपर गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे भी गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन लोगों के ज़्यादा चलने की जगह नहीं है। तो एक उस ब्रिज के नीचे एक छोटा ब्रिज बना रखा है जहाँ पर लोग चल के जा सकते हैं। ये देखो इस वाली जगह पर, वहाँ से ऊपर चढ़ने का था। हमेशा सड़क के साइड में इस तरीके से चलने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी जो स्पा है यहीं कहीं है, वो रहा एक्चुअली। आ गया स्पा। One hour later. क्या बढ़िया मसाज थी दोस्तों। थाई मसाज का जो फ्रेज है ना, इसे काफी बदनाम किया गया है फिल्मों के द्वारा और कुछ टूरिस्ट के द्वारा, लेकिन एक्चुअली में ये मसाज जो होती है ये बहुत ही बढ़िया मसाज होती है। आपके प्रेशर पॉइंट्स पर, मसल्स पर फोकस करती है और बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग कर देती है बॉडी की। ऐसा लगता है ऑलमोस्ट एक वर्कआउट किया हो। I was too embarrassed to say that I'm feeling really cold from the AC, so I was freezing the entire time. My hands and feet were like ice blocks. But overall it was a good place to have it, yeah. I think. क्योंकि बहुत ही सस्ती जगह थी, हाई क्वालिटी दिख रही थी, लग्जरी जगह दिख रही थी, ऐसी जगह पे जहाँ सड़क पर चलते हुए लगता नहीं कि कोई ऐसी दुकान आएगी। हम बोट स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो स्मेल आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे न्यूयॉर्क में आती थी गंदी सी स्मेल कूड़े की। जंगली बिल्लियाँ गार्बेज डंप से खाना ढूंढ रही हैं। हमारा जो बोट का पियर है यहीं कहीं होना चाहिए। फेरी क्रॉसिंग दुकान पे देखो क्या है, ओरिजिनल रोटी, रोटी विद एग, रोटी कोकोनट, रोटी कॉर्न, रोटी रेजिन, रोटी बनाना और चारकोल रोटी। आई हैव नेवर सीन इट इन इंडिया, चारकोल रोटी। वेल दैट्स डेफिनेटली नॉट इन इंडिया। माउंटेन रोटी, अरे रेकमेंडेड इवन इवन इंडियंस आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक। ये आ गया है पियर, बोट यहाँ पे आएगी हमारी, लेकिन करीब 20-25 मिनट लगेंगे बोट को आने में। नो ओके नो, बोट जब तक आती नहीं तब तक जा नहीं सकते। तो 20-25 मिनट यहाँ घूमते हैं इस पियर के पास। Really cool to see the vending machines here. Soy milk matcha to go. Very cool. चमकता हुआ वाट अरुण दिख रहा है यहाँ से। ये रही हमारी बोट। मुझे तो लगा था डॉक बंद ही हो गया, कोई अलाउड नहीं होगी आने। होटल में अब हम डिनर कर रहे हैं और ऐसा होटल में हम डिनर कर रहे हैं और ऐसा खाना गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये है वाटरमेलन के साथ ड्राइड हर्ब्स, यानी गार्लिक कोकोनट और वाटरमेलन साथ में। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही यूनिक है। It's like watermelon masala.